क्या आपको पता है रॉयल इनफील्ड यूसी इंजन का साइट स्टाइन के पास से चेसिस क्रैक हो जाता है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, और कुछ लोगों की गाड़ियों में ऐसा होता है। शायद आप में से किसी की गाड़ी में हुआ होगा। और जिनके लिए ये मैसेज है, वो इस टॉपिक के ऊपर है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि मेरे चैनल का नाम है रॉयल इनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक, तो ट्रिक मैंने बहुत सारी दिखा दी, आज सोचा कि कुछ टिप्स देता हूँ। तो आज का टॉपिक चेचिस के ऊपर ही है। तो देखिए वीडियो, यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की हो सकती है तो प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप रॉयल इनफील्ड बुलेट देख रहे होंगे, ये स्टैंडर्ड मॉडल है। आइए कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कहाँ से टूटता है और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो दोस्तों ये हमारा रहा साइड स्टैंड। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके बीच में यहाँ पर गैप दिख रहा है। ये चेसिस का दूसरी साइड से फ्रेम जुड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये यहाँ से आखिर क्यों टूटता है, इस जगह से टूट जाता है क्रैक। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेचिस क्रैक है, फिलहाल इसमें वेल्डिंग करा रखा है, फिर भी ये टिक नहीं पाया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं टिक पाया, चेचिस आखिर मतलब यहाँ से क्रैक होता क्यों है, तो आज मैं सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर समझाने वाला हूँ। तो देखिए इसका मेन रीज़न क्या है, तीन से चार। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चेचिस टूट गया है और इसको वेल्डिंग करा रखा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे के रीज़न, इसके पीछे तीन से चार रीज़न हैं यहाँ से चेचिस टूटने के। तो सबसे पहला मेन रीज़न क्या है, यहाँ आप यहाँ पर एक बोल्ट देखेंगे, दूसरी साइड से मैं दिखाता हूँ उस बोल्ट को। तो इसको टाइट कर लेता हूँ मैं। अगर आपकी गाड़ी का ये बोल्ट ढीला है तो भी चेचिस टूट जाएगा या क्रैक होता है। तो दोस्तों सबसे पहला मेन रीज़न यही है। और दूसरा, यदि आपकी गाड़ी साइड स्टैंड लगती है और ये बोल्ट ढीला है, तब भी यहाँ से चेचिस का, क्योंकि ये साइड स्टैंड की प्लेट ये है। अब बोल्ट ढीला हो गया तो फ्रेम यहीं पे जॉइन पड़ता है। देखिए यहाँ एक फ्रेम है जो आर पार वेल्डिंग कर रखा है, देखिए आपको दिखेगा आर पार है, पर यहाँ पर इसकी सपोर्ट है इसके साथ। अगर ये बोल्ट ढीला हो जाता है तो मेन चेचिस के ऊपर लोड आता है और चेचिस यहाँ से क्रैक होने लगता है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा, सॉरी, तीसरा रीज़न क्या है, देखिए पूरे इंजन के जो फाउंडेशन टाइट हो रखे हैं चेचिस के साथ, हर एक में अलग से एक पत्ती दे रखी है इंजन के साथ टाइट होने वाली। देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये सब एक अलग एक्स्ट्रा पत्ती बनाकर इंजन के साथ टच कर रखी है। पर यहाँ पर क्या कर रखा है, डायरेक्ट चेचिस से जॉइंट कर रखा है। तो जो बॉडी, जो इंजन का कंप्रेशर है, कंपन, वो सीधे चेचिस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और यहीं पर जॉइंट है तो सीधी बात है यहीं से टूटेगा टूटेगा। तो इसके लिए कंपनी ने इसका कोई रीज़न निकालना चाहिए। तो दोस्तों ये अगर ना टूटे, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे कम हम साइड स्टैंड लगाएं, जो साइड स्टैंड का उपयोग है कम से कम करें। और जो, आइए देखते हैं साइड स्टैंड लगा दें तो इस पर कैसे असर पड़ता है, एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी गाड़ी का पूरा सेंटर स्टैंड के ऊपर वेट आ गया है। अगर ऐसे में ये बोल्ट ढीला रहेगा तो सीधी बात है चेचिस का यहीं पर असर पड़ेगा। और इसके पीछे सुराग होते हैं बहुत बारीक बारीक पानी निकलने के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक सुराग यहाँ पर है, एक यहाँ पर दे रखा है और एक यहीं पर रखा है जो अभी वेल्डिंग के कारण दिख नहीं रहा है। तो अभी मेरे पास एक नई बाइक है, इसमें मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से क्रैक होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सुराग दिख रहा है आपको, यहीं से चेजिस क्रैक हो जाता है।
तो ये कई सारे रीजन हैं, जिसमें से दो सबसे मेन रीजन है जो पूरे चेसिस इंजन के साथ जॉइंट है, वो यहाँ सीधे डायरेक्ट है। बाकी दूसरी जगहों में पत्तियाँ दे रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्ती दे रखी है, एक पत्ती यहाँ फ्रंट सामने दे रखी है, पर यहाँ ऐसी कोई पत्ती नहीं है, डायरेक्ट इंजन से है। तो जो रॉयल इनफील्ड की यूसी इंजन की गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर कंपन बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ये चेसिस टूट जाता है। तो हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम ये बोल्ट चेक कराते रहना है किसी मैकेनिक के पास, या खुद ही एक 14 नंबर का पाना रख सकते हैं या चाबी रख सकते हैं, और इस बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बोल्ट ढीला हो गया, तो इसे हर 15-20 दिन, एक महीने के अंदर एक बार चेक कर लें, वरना आप जान ही सकते हैं क्या हो गए, चेसिस क्रैक हो सकता है। और कितने लोगों ने बहुत से लोगों की गाड़ी का यहाँ से चेसिस क्रैक हो जाता था। तो आशा करते हैं कि आज आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो थैंक यू दोस्तों, और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।